हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में हैदराबादी मटन बिरयानी कैसे बनाए। आपने जब भी हैदराबादी बिरयानी बनानी है तो आप ध्यान रखें, लगान लेनी है आपने, या फिर आपके पास लगान नहीं है तो कोई भी बर्तन लें, वो नीचे से थोड़ा मोटा हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जिसमें आपने बिरयानी बनानी है उसी पतीले के अंदर आपने मटन डाल देना है। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने डाला मटन, लिया है मैंने 1 किलो, 1 केजी मटन के अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, आपने ग्रीन चिल्ली पेस्ट डालना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। जो हैदराबादी बिरयानी की जान है वो ये है, फ्राई की हुई प्याज। तो हम लोग रेस्टोरेंट में फ्राई करके रखते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है, आप घर में बना रहे हैं, तो पहले आपने प्याज को फ्राई करना है। प्याज कैसे फ्राई करते हैं मैं ये वीडियो आपको बना के दिखा चुका हूँ, आपको लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में। तो आपने देखिए कम से कम 1 कप फ्राई की हुई प्याज डालनी है, मैं देखिए इतनी डालने वाला। ये देखिए इस तरीके से आपने डालना है, ऐसे जैसे कि मैंने डाले। और आपने लेना है इमाम दस्ता, इसके अंदर आपने डालनी है इलायची कम से कम 10, और इलायची को ना हल्का सा कूट लेना है। इलायची आप ऐसे कूट के डालें, पूरी साबुत ना डालें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऐसे हल्का सा कूट लें, इससे क्या होगा ना, खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी। ऐसे कूट के डालना है, ये देखिए इस तरीके से आपने डाल देनी है कूटने के बाद। और आपने इसमें डालना है सिनेमन स्टिक 2 इंच लंबी आप ले लें, और उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ऐसे डालें। 2 टेबल स्पून शाही जीरा, ये देखिए 1/2 कप धनिया हरा, ढेर सारा आपने इसमें डालना है पुदीना। ये देखिए ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करना है, मसल मसल के मिक्स करना है। प्याज सभी टूट जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे आप अच्छे से इसको मिक्स करें मसल के। मैंने आपको बताया ना ऐसे मसलना है आपने। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आपके हाथ में मटन की हड्डी नहीं चुभना चाहिए, इस तरीके से आपने इसको मसलना है जैसे कि मैंने मसला। उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है आपको दिखाता हूँ, आपने इसमें डालना है 1 कप दही, दही को आपने पहले फेंट लेना है, और 1 कप ऑयल, ये ऑयल वो है जो हम प्याज फ्राई करते हैं ना उससे जो बचता है वो आपने डालना है, इसी से आएगी बेहतरीन खुशबू। जो हैदराबादी बिरयानी की जान है, जिसको बोलते हैं ना जान, कोई भी खाने की ना एक जान होती है, तो वो है फ्राई की हुई प्याज और पुदीना। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है, फिर आपने ऐसे मिलाना है। देखिए जैसे कि मैं मिला रहा हूँ, ऐसे अच्छे से मिक्स करें, वाह ऐसे देख रहे ना आप। और आपने इसको रखना है साइड में। सबसे पहले आपने मटन को ऐसे मेरीनेट करके रख लेना है, ये है इसका प्रोसीजर। अब आपको चावल के बारे में बताता हूँ कि आपने चावल के लिए क्या करना है, दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले चावल को भिगा देना है, चावल भी लिए हैं मैंने 1 केजी, चावल भिगा के ऐसे रखें। उसके बाद आपने लेनी है 2 कटोरी, जैसे कि मैंने लिए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ये देखिए ऐसे। एक में आपने डालना है थोड़ा सा पीला कलर, ये देखिए, और एक में आपने डालना है थोड़ी सी सेफ्रॉन। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप सेफ्रॉन का यूज कर सकते हैं सारा, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में बना रहे हैं या फिर आप बेचना चाहते हैं तो आप इतनी सेफ्रोन नहीं डाल पाएंगे, तो थोड़ा कलर जरूर डालें। चावल भिगाने के बाद आपने एक पतीले में पानी चढ़ाना है और इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद क्या करेंगे आपको दिखाता हूं। जब आपका पानी गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें से ऐसे 1 लेडल पानी लेना है, यानी कि 1 कप पानी आप ले सकते हैं, और ये पानी आपने इसमें डालना है गर्म पानी 1 कप। फिर ऐसे देखिए ऐसे अच्छे से ऐसे मिक्स किया इस तरीके से, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पानी डालने के बाद ना इसमें ठंडा ही हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा। देखिए ऐसे आपने डालना है, इतना इतना पानी डालना जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऐसे करके मिला के रखें। उसके बाद आपने इसमें डालना है सिनेमन स्टिक 5 लौंग, 2 जावित्री का फूल, 4 तेज पत्ते, 8 हरी इलायची
और आप इसमें ना ये जरूर डालना है ऐसे मिर्च को फाड़ के इस तरीके से, और आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून नमक, नमक आपने 2 टेबल स्पून डालना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और पुदीना, ये देखिए पुदीना डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 कप ऑयल, फिर गैस आपने फास्ट करना है, पानी को उबलने का इंतजार करना है, मतलब पानी उबलना चाहिए, जब तक आपका पानी उबलेगा तब तक आपने क्या करना है, चावल को ऐसे छान लेना है। इससे क्या होता है पानी एक्स्ट्रा नीचे चला जाता है और आपके चावल जल्दी उबल जाएंगे, तो ऐसे चावल छान के रखें। अब हमारा पानी उबल चुका है, मैं अब इसमें राइस डालूंगा और आपको दिखाता हूँ कि आपने कितनी देर उबालना है। ये देख रहे हैं ना आप, कितनी अच्छे से पानी उबल चुका है और इसका कलर कितना प्यारा हो गया है, एकदम ग्रीन ग्रीन बढ़िया कलर हो गया है। अब मैं गैस फास्ट कर दूंगा, मैंने स्लो कर दी थी आपको दिखाने के लिए, ये देखिए अब आपने इसमें ऐसे चावल डाल देना है। चावल डालने के बाद आपने गैस एकदम फास्ट करनी है और प्यार से ऐसे एक बार चला देना है, बस प्यार से, ये देखिए इस तरीके से चावल आपने ज्यादा से ज्यादा 60% उबालने हैं, बस इससे ज्यादा ना उबालें, देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरीके से उबलने हैं, ऐसे ही आपने उबालना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। चावल हमारे उबल चुके हैं 50%, अब मैं क्या करूंगा गैस बंद कर दूंगा। आपने देखिए इस तरीके से चावल निकालने ऐसे, और आप चाहें तो ये हरी मिर्ची और ये तेज पत्ते इनको निकाल भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनके साथ भी दम मार सकते हैं, ये है आपकी मर्जी। उसके बाद आपने देखिए ऐसे इसके ऊपर फैला के चावल डाल देने, देख रहे हैं ना इस तरीके से आपने डालने, ऐसे निकाला चावल को और ऐसे फैला दिया, क्या बिरयानी बनेगी ना, बस मजा आ जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा झारा नहीं है तो आप छलनी में भी छान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे आपने चावल को फैला के फिर ऐसे चाहे तो एक तार कर लें इस तरीके से, देखिए जैसे कि मैंने किए हैं, नहीं तो आप ऐसे हिला भी सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डालना है सेफ्रॉन जो हमने भिगा के रखी थी, देखिए उसके बाद ये पीला कलर, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे आपने डालना है इस तरीके से, कलर डालने के बाद आपने इसके ऊपर डालना है देसी घी, ये देखिए इस तरीके से घी हल्का सा गर्म हो, और 1 कप डालना है, ऐसे आपने डाला घी। उसके बाद आप चाहें तो पुदीना डालें जैसे कि मैंने डाला, ना चाहें तो ना डालें, यह है आपकी मर्जी। अब आपने क्या करना है आपको बताता हूं, आपने रोटी का आटा लेना है जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है, और ये देखिए ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे लंबा कर लेना है दम मारने के लिए, जैसे कि मैंने किया। आपने आटे को ऐसे हाथ में लपेट लेना है और इसमें लगाना है, और लगाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो पहले ही बता दूं, आप बोलेंगे कि शेफ इसमें सेफ्रॉन डाला आपने और क्योड़ा वाटर या रोज वाटर नहीं डाला, तो हैदराबादी बिरयानी में नहीं डालते हैं, जो इसकी जो असली खुशबू है वो सेफ्रॉन पुदीना और प्याज की है। अगर आपको क्योड़ा वाटर और रोज वाटर पसंद है तो आप डालें, लेकिन हर खाने की क्या ये खूबसूरती होती है, तो मैं इसमें क्योड़ा वाटर रोज वाटर डाल के उसकी खूबसूरती खराब नहीं करूंगा, आपने डालना है तो आप प्लीज डालें। इस तरीके से आपने देखिए ऐसे लगाना है जैसे कि मैं लगा रहा हूं, और ऐसे दबा देना है, ऐसे दबा दिया, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी का गीला हाथ इसके ऊपर लगाना है ऐसे जैसे कि मैंने लगाया ना, ऐसे पानी का गीला हाथ जरूर लगाएं। अब आपने ढक्कन लेना और इसके ऊपर ऐसे रख देना है, देखिए इस तरीके से, और इसको ऐसे दबा देना, अच्छे से दबा दें, ऐसे दबाने के बाद क्या करना है आपने गैस चालू करना है, पहले आपने इतनी फास्ट में 10 मिनट रखना है जैसे कि अभी ये है, उसके बाद आपने एकदम स्लो करके इसको छोड़ देना है। टोटल टाइम कितना लगेगा जब मैं खोलूंगा तब आपको बताऊंगा। बीच बीच में आपने ऐसे ही देखिए घुमाते रहना है, उससे क्या होगा आपकी बिरयानी जलेगी नहीं। अगर आपके मन में डर है कि बिरयानी कहीं जल तो नहीं जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे तवा रख सकते हैं, लेकिन जलेगी नहीं क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ेगा और हमने इसमें दही डाल रखा है वो सब कुछ अपना पानी छोड़ेगा, तो आराम से आप बेफिक्र होके ऐसे बनाएं। गैस फास्ट करने के बाद मैंने इतनी स्लो गैस कर दी थी, कितनी देर 15 मिनट। अब मैं बिरयानी खोलने वाला हूँ, लेकिन बिरयानी खोलने से पहले आपको 2-4 बातें बता दूं जो मुझसे मेरे लड़के पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि शेफ
क्या आधे घंटे में मटन पक जाएगा? कच्चा मटन है, पकेगा या नहीं पकेगा आप बताइए, गलेगा या नहीं गलेगा? तो मैंने उन्हें एक बात बताई बहुत ही सीधी, मैं बोला जब हम कुकर में मटन पकाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर पकाते हैं? उन्होंने बोला 20 मिनट। तो बोला हम कुकर में 20 मिनट पकाते हैं मटन और अच्छे से गल जाता है और उसमें से सीटी भी निकलती है, इसमें से कहीं से सीटी भी निकली नहीं है, मतलब हवा निकली नहीं है, गैस निकली नहीं है। तो ये हमने पकाया 45 मिनट। कैसे 45 मिनट पकाया आपको बताता हूं। 10 मिनट मैंने गैस फास्ट रखी थी, 15 मिनट गैस मैंने एकदम स्लो रखी थी और बाकी का जो टाइम था 20 मिनट मैंने इसको गैस बंद करके रखी थी, ऐसे ही रखा है मतलब। तो मैं 45 मिनट के बाद खोल रहा हूं। तो मैंने उन्हें बोला आराम से मटन गल जाएगा, क्योंकि कुकर में 15 मिनट में गलता है तो इसमें 45 मिनट में क्यों नहीं गलेगा? लेकिन सिर्फ आपको पकाने का तरीका मालूम होना चाहिए जैसे कि मैंने पकाया। और अगर आप ऐसे नहीं पका सकते, आपके मन में कहीं डर होगा कि यार हमारा मटन नहीं गलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 टेबल स्पून पपाया का पेस्ट डाल सकते हैं शुरू में जब हमने मेरीनेट किया था। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मैं खोल के दिखाता हूं। जब आप ऐसे दम मारेंगे ना तो ये आटा है ना एकदम सूख जाता है, देखिए कैसे अच्छे से सूख गया है, इसका मतलब है ये पक चुका है। अब हम खोलेंगे कैसे, नाइफ की मदद लेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जम जाता है। ओहो क्या स्टीम निकली, खुशबू का ठिकाना नहीं है। ये देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू, मजा आ गया। जितनी भी तारीफ करूंगा बिरयानी की उतनी कम होगी, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। देखिए चावल खिल चुके हैं, देख रहे ना आप कैसे खिले, ऐसे गिन सकते हैं आप कितने प्यारे हुए हैं, मतलब मजा आ गया। और इतने नरम और अच्छे चावल है ना जिसकी कोई हद नहीं। आज मैं प्लेट से खोलूंगा जैसे कि वो खोलते ना बिरयानी वाले, देखिए ऐसे कितने प्यारे हुए हैं चावल जिसकी कोई हद नहीं, फिर से बता रहा हूं। वाह मजा आ गया, मजा मतलब मजा, मैं तो बहुत ही भूखा हूं क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था बिरयानी के चक्कर में। अब मैं बिरयानी खाऊंगा। वाह अब मैं आपको ये प्लेट में डाल के दिखाता हूं। अब आपको मटन गलने की निशानी बता दे रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मटन गला या नहीं गला, आपके मन में भी ये सवाल आएगा ही आएगा और आपने मुझसे पूछना ही है। तो ये देखिए जब आप ऐसे मटन देखेंगे ना, मटन ये देखिए हड्डी से अलग हो जाता है, दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है ये पक चुका है। देखिए अगर मटन ने हड्डी छोड़ दी इस तरीके से जैसे कि इसने छोड़ी है, इसका मतलब ये होता है ये पक गया। मटन हड्डी से अलग तब होता है जब वो अच्छे से गल जाता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये है पहचान। ये देखिए वेरी नाइस, मजा आ गया। वाह बहुत ही शानदार ये बिरयानी, मतलब मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, आपने ये चीज मुझे बताना है। अब आपने इसके ऊपर गार्निश क्या करनी, ये आपने डालने पुदीने के पत्ते और थोड़ी सी ब्राउन ओनियन। अब एक बेहतरीन लाजवाब रेसिपी आपके सामने बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आपने पता है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए